डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का क्लास 7 की इंग्लिश की क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लेसन 4। लेसन 4 का नेम है अ लेटर टू अ डॉटर। पुत्री को एक पत्र, पुत्री के लिए एक पत्र। इसमें एक पिता एक अपनी पुत्री के लिए एक पत्र लिखा है। क्या लिखा है उसके बारे में दिया गया है, तो पढ़ेंगे। लिखा है, व्हेन यू एंड आई आर टुगेदर यू ऑफन आस्क मी क्वेश्चंस अबाउट मैनी थिंग्स एंड आई ट्राई टू आंसर देम। व्हेन यू, पिता कहता है, व्हेन यू, जब आप एंड आई और मैं आर टुगेदर साथ साथ, जब आप और मैं साथ साथ होते हैं, यू ऑफन आस्क मी क्वेश्चंस, तुम मुझसे सवाल पूछती हो। ऑफन मीन्स प्रायः सवाल पूछती हो। अबाउट मैनी थिंग्स, कई चीज़ों के बारे में, तुम मुझसे कई चीज़ों के बारे में प्रश्न पूछती हो। एंड आई ट्राई टू आंसर देम, और मैं उनके उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। Now that you are at Missouri, now means अब तुम मसूरी में हो, and I am in Allahabad, और मैं अलाहाबाद में हूँ, we cannot have these talks, हम ऐसे बात नहीं कर सकते, हम ऐसे बात नहीं कर सकते, I am therefore, इसलिए मैंने going to write to you from time to time short accounts of the story of our earth and many countries, great and small, into which it is divided. I am therefore, इसलिए मैं going to write to you, तुम्हारे लिए लिखते जा रहा हूँ, from time to time, समय समय पर, short accounts, short accounts means होता है संक्षिप्त लेख, ऑफ द स्टोरी ऑफ आवर अर्थ, अपनी पृथ्वी की कहानी के संक्षिप्त लेख, एंड और मैनी कंट्रीज ग्रेट एंड स्मॉल, और कई महान और छोटे देशों, इंटू विच इट इज़ डिवाइडेड, जिसमें यह बढ़ चुकी है, यानी हमारी पृथ्वी बढ़ चुकी है, इसलिए मैं अपनी पृथ्वी की कहानी के बारे में संक्षिप्त लेख समय समय पर लिखते जा रहा हूँ, जो कई छोटे और महान देशों में बढ़ चुकी है। यू हैव रीड अ लिटिल अबाउट इंग्लिश स्टोरी एंड इंडियन स्टोरी। यू हैव रीड अ लिटिल, तुमने कुछ पढ़ा होगा अबाउट इंग्लिश हिस्ट्री। इंग्लिश हिस्ट्री माने अंग्रेजी इतिहास के बारे में, एंड इंडियन हिस्ट्री एंड और भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ा होगा। तुमने अंग्रेजी इतिहास और भारतीय इतिहास के बारे में कुछ पढ़ा होगा। बट इंग्लैंड इज़ ओनली अ लिटिल आइसलैंड एंड इंडिया दो अ बिग कंट्री इन इज ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। बट मीन्स लेकिन इंग्लैंड इज अ ओनली अ लिटिल आइसलैंड, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा आइसलैंड मीन्स द्वीप है, एंड इंडिया और इंडिया दो अ बिग कंट्री, दो मीन्स होता है हालांकि एक बड़ा देश है, इंग्लैंड एक छोटा द्वीप है, और इंडिया हालांकि जो एक बड़ा देश है, लेकिन इज ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द सरफेस अर्थ सरफेस, लेकिन वो हमारी पृथ्वी की सतह का एक छोटा हिस्सा है। इफ़ वी वांट टू नो समथिंग अबाउट द स्टोरी ऑफ दिस वर्ल्ड ऑफ आवर्स, we must think of all the countries and all the people that
have inhabited it and not merely of one little country when where we may have been born. यदि हम want to know जानना चाहते हैं something about the story of this world of ours, यदि हम अपने इस संसार की कहानी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो we must think of all the countries, तो हमें सभी देशों and all the people और सभी लोगों that have inhabited it जो के बारे में सोचना चाहिए जो यहाँ निवास करते हैं. हमें सभी देशों और सभी लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो यहाँ निवास करते हैं या जिन्होंने इसे बसाया है. एंड नॉट मियरली ऑफ वन लिटिल कंट्री वेयर वी मे हैव बीन बॉर्न, और ना केवल एक छोटे से देश के बारे में सोचना चाहिए जहाँ हमने जन्म लिया है. तो इसका मतलब है यदि हम अपने इस संसार की कहानी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हमें उन सभी देशों और लोगों के बारे में सोचना होगा जिन्होंने इसे बसाया है, और ना केवल एक छोटे से देश के बारे में सोचना है जहाँ हमने जन्म लिया है. अब आप सभी इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे. थैंक यू क्लास.